أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। नाज़रीन हम हाज़िर हैं आज अपनी नई वीडियो के नहायत दिलचस्प मौजू के साथ। नाज़रीन आज हम आपके लिए लाए हैं गोल्डन मिल्क, सुनहरी दूध। नाज़रीन यूँ तो आपने सुन रखा होगा हल्दी और दूध का मिलाप से जो एक मुरक्कब बनता है, महलूल बनता है, उससे उसकी बहुत अफादियत है, लेकिन इसके बारे में बहुत से अबहाम है। इसे सुनहरी दूध भी कहा जाता है। नाज़रीन हमारे माशरे में दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई, तरह तरह की मालूमात और तरह तरह की वहम और तरह तरह की प्रोपोगंडा मुहिमें होती हैं कि ये सिर्फ बीमार लोग इस्तेमाल करें या जिन लोगों को चोट लग जाए उस सूरत में, एक्सट्रीम सूरत में कुछ घरों में, कुछ सोसाइटियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नाज़रीन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नाज़रीन अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके अज्ज़ा क्या हैं, हल्दी, दूध, अदरक और दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन अपने मौजू की जानब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। होता कुछ यूँ है कि हमारे माशरे में बहुत सी गलतफहमियाँ फैली हुई हैं कि अगर ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है तो नहीं नहीं उसे गर्म दूध के साथ हल्दी ये वाला दूध मत दें, ये गलत बात है। इसी तरह डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी ऐसा ही कहा जाता है। नाज़रीन जबकि ये सारी चीज़ें आज की वीडियो क्लियर कर देगी। हर सकाफत के अपने मिसालें और जड़ी बूटियाँ होते हैं जो ग़ज़ाई एतबार से किसी पावर हाउस से कम नहीं होते। नाज़रीन खानों में हल्दी उमूमन इस्तेमाल की जाती है और इसे तबीबी निज़ाम हिकमत में भी कमाल हासिल है और एक कदीम ज़माने से इसे हकीम और तबीब जो हैं वो अपनी दवाओं में इसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस हल्दी ने इंसानियत की बहुत खिदमत की है। हल्दी नाज़रीन कुदरती तौर पर जरासीम कुछ खसूसियात की हामिल है। उमूमन ये खराशों में, ज़ख्मों में और जलने के लिए इस्तेमाल होती है और बहुत मुफीद भी होती है। इसके अलावा खून के लोथड़ों की रोकथाम में नहायत अफादियत रखती है। जिस्म में किसी भी इन्फेक्शन, मैदे के दर्द, उल्टियाँ आना, खूनी हैज़े में इसका इस्तेमाल नहायत मददगार होता है। लेकिन उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन उसे पानी के साथ भी फाँक लिया जाता है, यानी थोड़ा सा अपनी हथेली पर लिया हल्दी को और नीम गर्म पानी के साथ उसका इस्तेमाल, यानी हल्दी का किसी न किसी शक्ल में मुख्तलिफ बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हमारा मौजू है सुनहरी दूध। नाज़रीन हल्दी जिगर की सफाई का काम भी करती है। हल्दी का इस्तेमाल जिस्म में मौजूद जहरीले मादों को जिस्म से खारिज करने में भी मिलता है। आज हमारा लाइफ स्टाइल नाज़रीन जिसमें हम मॉडर्न खाने जो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड की शक्ल में जो हम खाते हैं उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और सड़े हुए तेल का इस्तेमाल, जिसकी वजह से जिस्म में जलन और दीगर नुकसानात बनते रहते हैं, जिनसे वक्त गुजरने के साथ साथ एलर्जी, दमा, जोड़ों के अमराज और दिल के अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है। नाज़रीन हल्दी का इस्तेमाल रोज़ाना इस्तेमाल ख़ास तौर पर जिस्म में सूजन, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, उसे काबू रखने में मदद देता। हल्दी एक कुदरती और सादा चीज़ है जो ब्लड प्रेशर की सतह को मुतवाज़न रखने में मदद फराहम करती है। हमारे लाइफस्टाइल में जिसमें मॉडर्न गज़ाएँ जो नहायत लजीज और ज़ायक़ेदार ज़रूर होती हैं, मगर इनमें नुकसानदेह चर्बी, ट्रांसफैट यूज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। और काबिल गौर बात कोलेस्ट्रॉल की दो इकसाम होती है नाज़रीन, एक LHD लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरी कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है जो अच्छी फॉर्म है उसे कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, जो खून में लोथड़ों को बनने से रोकती है। हल्दी जहर से पाक हर्बल सॉल्यूशन है जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से और देरपा असरात का हामिल होने की वजह से शरियानों की अकड़न और ब्लॉकेज समेत अमराज कद को रोकती है। नाज़रीन हमारा मौजू है सुनहरी दूध, गोल्ड मिल्क। नाज़रीन गोल्ड मिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कप दूध गर्म कर लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी का मिला लें। जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, वो लोग शक्कर या चीनी का इस्तेमाल ना करें, और वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कप दूध में आधा चम्मच हल्दी को मिक्स कर लें, और अगर सर्दी का मौसम है
जैसा कि आजकल चल रहा है और हर एक को ज़ुकाम, नज़ला, खांसी का मसला है, इसे हर रोज़ 2 टाइम पिए, सुबह भी पी सकते हैं, रात को भी पी सकते हैं। इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए नज़ला, ज़ुकाम और सर्दी का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। जैसा कि बताया गया कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है हल्दी, और जब इसे दूध में मिक्स हम करते हैं तो इसकी अफादियत और बढ़ जाती है। और इसी तरह ब्लड शुगर के मरीज़ों में शुगर जो है वो हमारे पूरे निज़ाम को जकड़ लेती है। ये एक तो कुव्वत मदाफ़त पैदा करता है, दूसरा हमारे जिस्म में तवानाई देता है, और तवानाई का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है वो लोग जिन्हें दूध, सादा दूध पीने से बड़े मसाइल होते हैं, जिन्हें रेशा वगैरह हो जाता है, अगर वो हल्दी वाला दूध पियेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। उम्मीद है नाज़रीन हमारी आज की काविश आपको पसंद आई होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह।